हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडीज़। इस वीडियो में हम लोग ट्रिपल IIITH PGEE 2020 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, कैसे रिजल्ट चेक करना है वो इंपॉर्टेंट है। तो सारे स्टूडेंट्स को मालूम होना चाहिए कि ट्रिपल IIITH PGEE का जो रिजल्ट है वो कैसे चेक करना है। कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट्स को मालूम नहीं चलता है, रिजल्ट आके चला भी जाता है और उन्हें मालूम नहीं चलता है। तो मेक श्योर करें कि आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए ट्रिपल IIITH का PGEE का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो निकल चुका है, कैसे अप्लाई करना है वो भी इंपॉर्टेंट है। सारे स्टूडेंट्स को मालूम होना चाहिए कि ट्रिपल IIITH का PGEE का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो A to Z में बता देता हूँ आपको। तो कैसे भरना है वो भी इंपॉर्टेंट है, सारे स्टूडेंट्स को मालूम होना चाहिए। तो ट्रिपल IIITH का जो PGEE का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो गया। सारे स्टूडेंट जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म भरे होते हैं, भरे हुए हैं, उनको ही रिजल्ट मिलेगा। जिन्होंने नहीं भरा है वो नहीं चेक कर सकते। तो कैसे चेक करना है वो इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट्स को मालूम नहीं चलता, रिजल्ट आके चला भी जाता है और वो ढूंढते रहते हैं कि रिजल्ट कहाँ चेक करें। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें, और ये एक्सक्लूसिव चैनल है जहाँ ट्रिपल IIITH PGEE से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आती है। तो मेक श्योर करें कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है। तो कैसे सर्च करना है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अगर आप गलत तरीके से सर्च करें तो गलत इन्फॉर्मेशन मिलेगी, गलत इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो गलत आपको मालूम भी चलेगा, गलत इन्फॉर्मेशन से डेफिनेटली आपका नुकसान ही होने वाला है। तो कैसे सर्च करना है वो इंपॉर्टेंट है। किसी ब्राउजर में google.com ओपन करें और वहाँ पर आपको सर्च करना है IIITH PGEE 2020 और उसके आगे आपको लिखना है IAS पेपर। IAS पेपर एक एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहाँ IIITH PGEE से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आती है। तो मेक श्योर करें कि आपको इसे लिखना है, इसे सर्च करेंगे। जैसे आप इसे सर्च करेंगे नए टैब में जाएंगे, ओके, मैंने सर्च किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे IIITH PGEE का रिजल्ट जो है सून था, अब डिक्लेयर होगा। इसे ही ओपन करना है आपको हैदराबाद, IIITH PGEE हैदराबाद, ओके। तो यह ओपन करना है आपको IAS paper.net, इसे ओपन किया मैंने। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है IIITH PGEE का रिजल्ट डिक्लेयर, ओके, काउंसलिंग एडमिशन प्रोसेस। यानी IIITH का PGEE का जो है MS और PhD कोर्सेज के लिए जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो गया। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैदराबाद जो है एक ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी है जो IIITH PGEE एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है, जिसके थ्रू कैंडिडेट MTech प्रोग्राम में एडमिशन ले पाते हैं। अलग अलग कोर्सेज में स्पेशलाइजेशन है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एडेड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ओके, बायो इन्फॉर्मेटिक। IIITH PGEE का जो है नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, पूरे देश के लोग, पूरे दुनिया के लोग एडमिशन दे एप्लीकेशन भर सकते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जो फॉर्म है इसे आप जरूर भर दें। आपका फुल नाम, आपका ईमेल आईडी, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आप कौन से राज्य से, एग्जांपल के तौर पे मैं तेलंगाना का हूँ तो तेलंगाना पे क्लिक करूँ, कहाँ के हैं तेलंगाना के, हैदराबाद के छोटे से गांव में रहता हूँ तो हैदराबाद पे क्लिक कर दिया मैंने, कौन से कोर्स में इंटरेस्टेड है, एग्जांपल के तौर पे मैं MTech में इंटरेस्टेड हूँ तो MTech पे क्लिक करूँगा, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन मेरी ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन पे क्लिक कर दिया मैंने। आपका जो भी है 10th 12th डिप्लोमा ग्रेजुएशन जो भी है आप उस पर क्लिक करें और गेट फ्री काउंसिल पर क्लिक करना है। उसके बाद क्या होगा, IIITH PGEE से रिलेटेड जो भी अपडेट्स रहेंगे स्मॉल या बड़े, कोई भी अपडेट आपको ईमेल और SMS के जरिए मिलते रहेंगे। अलग अलग यूनिवर्सिटीज, अलग अलग कॉलेज इंस्टीट्यूशन से आपको ईमेल और SMS आते रहेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर क्लिक करना, ओके। तो गेट फ्री काउंसिल पर क्लिक करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अनाउंस हो चुका है। मैंने एडमिट कार्ड के लिए पहले वीडियो बनाई थी, आप इसे चेक कर सकते हैं, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एडमिट कार्ड जिन लोगों ने डाउनलोड नहीं किया था उनके लिए काफ़ी हेल्प हुई थी इस वीडियो से। सब लोगों को कुछ ना कुछ हेल्प मिली थी जिसकी वजह से वो लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको भी ऐसे ही करना है। IIIITH हैदराबाद से रिलेटेड मैंने जो भी अपडेट थे वो सब कुछ बताए थे यहाँ पे, उसे आप चेक कर सकते हैं। ऑलराइट, सो एक चीज़ और बता दूँ आपको कि यहाँ पे आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन लिखा है रिजल्ट अनाउंस, यानी रिजल्ट हैज़ बीन डिक्लेयर फॉर MS and PhD, यानी मास्टर ऑफ साइंस के लिए जो है और PhD कोर्सेज के लिए रिजल्ट डिक्लेयर हो गया। तो इस पर आप क्लिक करेंगे, उससे पहले आपको बता दूँ यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, ओके, एडमिट कार्ड से रिलेटेड, रिजल्ट से रिलेटेड, काउंसलिंग, हर एक चीज़ के बारे में चीज़ एवरीथिंग दिया गया है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे, तो हम लोग चेक करेंगे रिजल्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इधर से भी आप चेक कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म, एलिजिबिलिटी, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, सेंटर्स वगैरह, हर एक चीज़ तो पहले से ही दी गई थी। अब यहाँ पे देख सकते हैं IIITH हैदराबाद रिजल्ट हैज़ बीन अनाउंस्ड ऑन MS and PhD कोर्सेज, क्लिक हियर टू चेक। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे नए टैब में जाएंगे, ओके, तो यहाँ पे नए टैब में आप आ गए और यहाँ पे आपको क्लिक चेक करना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है। अगर आपने यूज़र नेम और पासवर्ड आपके पास है तो आपको यूज़र आईडी जो भी है आपका वहाँ पे डालेंगे आप, और यहाँ पे आपका पासवर्ड डालेंगे और लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अगर आप पासवर्ड अगर भूल गए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे आपको पासवर्ड पे क्लिक करना है, फॉरगेट पासवर्ड पे। यहाँ पे आपको जो भी यूज़र आईडी थी, आपको यूज़र आईडी जो भी आपका वो डालना है और सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपका पासवर्ड आपको SMS आ जाएगा। यहाँ पे यूज़र आईडी आपको डालना है, जो भी यूज़र आईडी आपका हो, और यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है। तो जो भी आपका पासवर्ड है वो डालें और लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे सामने रिजल्ट आएगा, उसे डाउनलोड कर लें और प्रिंट आउट जरूर निकाल लें। उम्मीद है इस वीडियो ने आपके सारे क्वेरीज को सॉल्व किया रहेगा। IIITH PGEE के रिजल्ट के लिए ऐसी वीडियो अगर आपको फ्यूचर में भी चाहिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो।